बुध कपिल वस्तु में है। क्या हो रहा है कपिल वस्तु में? लेकर आज्ञा माँ गोपा से, लेकर आज्ञा माँ गोपा से, राहुल पास आया है। जन्मदाता आप मेरे, ऐसा वचन सुनाया है। बुद्ध ने हर तरह से बालक को फरमा समझाया है। पितृनिधि मुझको मिले, ये राहुल ने फरमाया है। दिव्य निधि का बुद्ध ने राहुल को राज्य बताया है। दिव्य निधि का बुद्ध ने राहुल को राज्य बताया है। जाने सारा बुद्ध का, सारे पुत्र ने श्रमण बनाया है। सो अल्प काल में राहुल ने निर्वाण पद लिया जान है। उन महाश्रमण के चरण में वंदन हमारी शान है। बुद्ध समक्ष करे विनती, मंत्री खड़ा कर वक्त है। शाक्य राज तुम बिन कुमार हो गया अवरुद्ध है। राजा को दुख बहुत है, जो पै को हुए प्राप्त है। बिन बछड़े की गाय समूह रहे, प्रजावती मात है। पति पति के रहते विधवा संग, पति के रहते विधवा संग, रहती रानी यशोधरा। सभी दुख सुखों की आकांक्षी थी, जीवन हुआ दुखों भरा। बात सुन सब मंत्री की, बात सुन सब मंत्री की, या बहुत सम्मान है। उन महाश्रमण के चरण में वंदन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में वंदन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में वंदन हमारी शान है। तो भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में, मात्र 7 वर्ष का राहुल बन गया जाके। पितृदेव मांगने आया था और साथ में पितृनिधि के लिए उन्होंने श्रमण बना दिया। आगे मंत्री भी आया। ये आप कहानी अच्छी तरह से बुद्ध और उनके धम्मे पढ़ सकते हो, पूरी तरह से, जो तो बाबा साहब द्वारा चित है। बाबा साहब ने अपने जीवन की एक महान कृति हमको दे के गए हैं, जिसकी बहुत आवश्यकता है। तो हम चलते हैं फिर बोध सत्व की तरफ। आपने पिछले हफ्तों में कुछ बातें सुनी दान के बारे में, जो पारमिता जिसको कहते हैं, जो पार ले जा सकती है, जो हमको पार उतार सकती है। इससे पार उतार सकती है कि ये भव सागर है, ये संसार रूपी जो भव सागर है, जिसको आप भव चक्र के रूप में पढ़ते हो, अगर इससे पार निकलना है, इससे बाहर निकलना है, इसको पार पाना है, अगर दूसरी पार पे जाना है, तो आपको किसी न किसी में आपको पूर्णता प्राप्त करनी पड़ेगी। और वो पारमिताएं जिसको पूर्णता कहते हैं, दूसरे नाम में पूर्णता भी कहते हैं, तो जो पार उतार सकती है, आपको पार लगा सकती है, जो दूसरे किनारे पर ले जा सकती है, वो जो है पारमिता है। तो उन पारमिताओं में पहली पारमिता आपने दान के बारे में देखा, उसके बाद आपने सील के बारे में देखा। आपके सील पक्के होंगे, जितने पक्के होते चले जाएंगे, आप इस भव चक्र से बाहर निकलते चले जाएंगे। इसी प्रकार से आपने फिर शांति के बारे में देखा और फिर वीर के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण पारमिताएं हैं ये, बौद्ध धर्म के एक तरह से स्तंभ हैं। बुद्धत्व के रास्ते के ये जो है
चिड़िया हैं जिनको आप देख सकते हो, चर सकते हो अच्छी तरह से। अपने जीवन में इन पारमिताओं को एक बोध सत्य किस प्रकार से समावेश करता है, किस प्रकार से अपने जीवन में इनको उतारता है और इनका आध्यात्मिक अनुभव कैसे लेता है, किस प्रकार से अपने कार्यों में इनको समाहित करता है, ये हमने पिछले दिनों में देखा है। अब एक अहम जोड़ा है, ये जोड़े में चलती है, दान शील के साथ साथ चलती है, शांति वीर के साथ चलती है। इसी प्रकार से जो पांचवी प्रतिज्ञा समाधि और छठी प्रतिज्ञा प्रज्ञा, ये एक जोड़े में साथ साथ चलती है। तो जो ध्यान भी बोला जाता समाधि को और प्रज्ञा जिसको समझ बोला जाता है, ये जोड़ा आता है। इन दोनों में संपूर्णता पा लेने पर, अगर इन दोनों में हमने संपूर्णता पा ली तो हम जो है संबोधि के द्वार पर पहुंच। ये पारमिताएं का मतलब ही ये है कि हम जो है संबोधि के द्वार पर पहुंच जाएंगे। आदमी हमारी पार लग जाएगी, हम पार से लग जाएंगे, पार से उतर जाएंगे। जो चक्कर था जिसमें हम फंसे हुए थे, जो दलदल था, संसार रूपी दलदल था, उससे हम निकल जाएंगे और पार से पार पे हम जो है पहुंच जाएंगे, पार को हम पकड़ ले। बोधि चित्त में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, जो बोधि चित्त है हमारे अंदर वो प्रतिष्ठित हो जाएगा, हमारे अंदर वो काम करने लगेगा, वो क्रियान्वित हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। और जब बोधि चित्त जागृत हो जाएगा तो यही हमको जो है चरम पर ले जाएगा, संबोधि के चरम पर ले जाएगा। यह एक अत्यंत ही सूक्ष्म स्तर का अनुभव होता है, जिसको कहा जाता है गूंगे का गुड़। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है उसको कोई गुड़ खिला दिया जाए तो वो उसकी मिठास भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता। और जब किसी को ध्यान का आनंद आने लगता है तो वो भी उससे वर्णन नहीं होता है, वो सिर्फ अपने अंदर ही अंदर जो है उसको आनंद लेता है, उसका अंदर ही अंदर उससे खुश रहता है, उसका बदन पूरा प्रफुल्लित रहता है, उसका मन बहुत ही हल्का हो जाता है और मन हर समय उसका खिला खिला सा रहता है, चेहरा एकदम खिल जाएगा उसका, कभी उसका चेहरा जो है आपको जल दिखाई नहीं देगा, किसी चिंता में दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सूक्ष्म तरह का जो है अनुभव है, सूक्ष्म स्तर का, बहुत ही सूक्ष्म स्तर का जो है अनुभव होता है। इसके लिए हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, कोई भी शब्द इसके लिए सटीक नहीं बैठता है, किसी शब्द में हम बांध नहीं सकते इस अनुभव। लेकिन फिर भी शब्दों का जो प्रयोग होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर शब्दों का प्रयोग नहीं होता तो जो धर्म हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, ये धर्म हम तक नहीं आता। ये धर्म भी हमको शब्दों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आया है, हमारे गुरुओं के माध्यम से आया है, भगवान बुद्ध के शिष्यों के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है। तो ये शब्दों के माध्यम से पहुंचा है, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होते। व्यक्ति अपने अनुभव के अंतर्निष्ठ संवेग से प्रेरित होकर अपने में अंतर्लीन हो जाता है। समाधि के अंदर या ध्यान के अंदर क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, उस अनुभव में बिल्कुल पूरी तरह से लीन हो जाता है, खो जाता है उसके अंदर, पूरी तरह से खो जाता है और बार बार उससे प्रेरित, अंदर ही अंदर प्रेरित होता रहता है। वो फिर आगे पीछे नहीं देखता, वहीं से प्रेरित होता हुआ चला जाता है और आगे आगे बढ़ता हुआ चला जाता है वो, और उसमें पूरी तरह से लीन हो जाता है, पूरी तरह से लीन हो जाता है। उसके लिए दूसरी चीज कोई भी रहती नहीं, बाबा साहब अपने लक्ष्य में पूरी तरह से लीन हो गए, उन्हें लक्ष्य प्राप्त करना था। क्या लक्ष्य प्राप्त करना था, कि यहाँ के दलित शोषित दबे हुए दबे कुचले समाज का मुझे उद्धार करना है, और पूरी तरह से उसमें लग गए थे। उन्होंने ना अपना स्वास्थ्य देखा, ना आगे पीछे कुछ देखा, कुछ भी नहीं देखा, और वो पूरा जीवन हमारे उद्धार के लिए लगे रहे। देख सकते हैं
इस प्रकार अंतरलीन अवस्था कोई समाधि कहते, इस प्रकार की जो अवस्था हमारी हो जाती है जिसमें हम बिल्कुल पूरी तरह से हमारा लक्ष्य हमें दिखाई देने लगता है कि मेरा लक्ष्य क्या है और कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार के घोड़े के जब घोड़े को तांगे में लगाते हैं तो उसके सामने यूं कर एक बांध दिया जाता है, उसका लक्ष्य सामने ही दिखाई देता है कि सामने मुझे चलना है, इधर उधर दिखाई नहीं देता उसको। इसी तरह से जो है एक बोधिसत्व का जो लक्ष्य उसने बांध लिया है कि मुझे ये काम करना, उस लक्ष्य ही दिखाई देता है उसे और कुछ नहीं दिखाई, उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। और इसी जो ये अवस्था होती है कि नहीं मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना, यही जो है हमारी समाधि की अवस्था है। समाधि वो नहीं है जो बताई जाती है कि समाधि लगा दी उनकी, खत्म हो गया आदमी, उसको समाधिष्ट कर दिया, उसमें गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया, जल में छोड़ दिया, या क्या क्या कर दिया, पता नहीं क्या करते हैं, वो समाधि नहीं। समाधि ये है, ये समाधि क्या है, संबोधि मार्ग का छठवां अंग है, ये संबोधि मार्ग का छठवां अंग है। और आध्यात्मिक आर्य अष्टांगिक मार्ग का ये आठवां अंग है, लास्ट में आती है समाधि, सम्यक समाधि बोली जाती है, ये आठवां अंग है। और हमारी धर्मेंद्रियों में भी ये चौथी आती है, स्मृति के बाद समाधि आती है। जब हमारे अंदर स्मृति स्थापित हो जाएगी फिर समाधि आ जाएगी, तो समाधि स्मृति के बाद आती है। और त्रिविध शिक्षा में भी ये जो मध्य में आती है, भगवान बुद्ध की जो त्रिविध शिक्षा है, सील समाधि प्रज्ञा, तो मध्य में आ गई है। ये जो है कई जगह चलती रहती है, आपकी जो है ऊर्ध्वाधर चक्राकर मार्ग में आती है, ये सातवें नंबर पर, जिसको एकाग्रता कहते हैं, समाधि को एकाग्रता भी कहते हैं, मन की एकाग्रता। इसके द्वारा फिर हमारा जो है, जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, समाधि लग गई, तो हम यथाभूत दर्शन में चले जाएंगे, यथाभूत ज्ञान दर्शन में चले जाएंगे, जैसा है वैसा ही हम देखने लगे, वो हमारी दृष्टि जाग जाएगी, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते। तो इस प्रकार से ये जो है सील समाधि प्रज्ञा में जो त्रिविध शिक्षा के अंदर भी मध्य स्थित है, तो ये कई जगह आपको समाधि मिलेगी। यह किसी एक बिंदु पर चित्त की एकाग्रता से भी अधिक बढ़कर है। हम अपने चित्त को किसी एक बिंदु पर स्थिर कर रहे हैं, वो समाधि ही नहीं, इससे भी ज्यादा बढ़कर, उससे भी आगे है। इसमें होता क्या है कि इसमें मन की सारी शक्तियों का स्वतः एक अनुभव के रूप में इतनी सुखद गहराई में एकाकार होना है। यानी हमारी पूरी शक्तियां जो है, जो मन की पूरी सारी शक्तियां हैं, वो एक अनुभव के रूप में और सुखद अनुभव के रूप में बहुत ही गहन अवस्था में एकाकार हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। यहां तो हम आनापान सति में तीसरी पारी में कहते हैं, चौथी पारी में कहते हैं, तीसरी पर चौथी और पारी है, मन को और अपने शरीर में एकाग्र करिए, हमारा मन ही शरीर में नहीं इकट्ठा होता है, मन अलग भाग रहा है, शरीर यहाँ पर पड़ा हुआ है, शरीर और मन ही इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो जो हमारी पूरी शक्तियां हैं, सारी की सारी शक्तियां एकाकार हो जाती हैं और बड़ी गंभीरता से होती है, जहां विचार और इच्छा शक्ति स्थगित हो जाते हैं, विचार रहते ही नहीं, इच्छा शक्ति भी नहीं रहती है, बिल्कुल निरालंब हो जाते, आलंब रहित हो जाते हैं, कोई आलंबन नहीं रहता यहां पर। इच्छा शक्ति स्थगित हो जाते हैं, समय बिल्कुल शांत हो जाता है, समय शांत हो जाता है, रुक जाता है, समय काल नहीं रहता। बुद्ध का क्या हुआ था, जब बुद्ध बने थे, बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, तो उनका समय रुक गया था वहां पर, तभी तो बुद्ध कह सके थे कि जो मैं उस समय था, मेरा मन आज भी उसी तरह से है, भले ही मेरा शरीर टूटी बंडी की तरह हो गया है, इसे गांठा गया है, रोकथाम की गई है, इसमें बहुत सारी गांठें लगाई गई है, चल रहा है, लेकिन मन अभी भी मेरा वहीं पर है, उसी हालत में जिस जब मैं जो बुद्ध बना था, जब मेरी
20 साल के उसने मैं बुद्ध बना था, उस समय जैसा मन था वैसा ही आज भी मेरा मन, मतलब ये था कि वो समय रुक गया था उनके लिए, पूरी तरह से रुक गया था, शांत हो गया था। यह वास्तव में संपूर्ण समाधिस्थ और अंतरिलीन होने की अवस्था है। जब समय रुक जाता है तो हम क्या है, पूरी तरह से समाधिस्थ हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं पूरी तरह से हम लीन हैं। बुद्ध हर समय लीन रहते थे, बाबा साहब अपने देह की तरफ हर समय लीन रहते थे, वो अपने देह को नहीं भूले। कितनी भी विपत्ति आई, कितने भी अड़चने आई, कितने भी कुछ हुआ, लेकिन वो अपने देह को बिल्कुल ही नहीं भूले, अपने देह की तरफ चलते रहे। जिस प्रकार से एक संगीत का जब संगीत गाने लगता है, संगीत सुनाने लगता है, तो वो उस संगीत में इतना लीन हो जाता है कि उससे शरीर पर भी कोई अड़चन आ जाए तो वो उसकी परवाह नहीं करता, वो इतना लीन हो जाता है आपको सुर को निकालने में कि बस उसी में लीन रहता है, उसके लिए कुछ भी इधर उधर नहीं होता, एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं होता है। या एक प्रेमी अपने प्रेम में लीन हो जाता है, फिर उसे कुछ सुझाई नहीं देता, रात दिन जो कुछ दिखाई देता है उसी में लीन रहता है, भाव विभोर हो जाता है, पूरी तरह से उस आनंद में डूब जाता है। वैसे ही इस अवस्था में चित्त की एकाग्रता जो एक सीमित अवस्था में होती है उससे भी बढ़कर आगे की अवस्था में वो जो चला जाता है, उसके वापस ना आने की कोई अवस्था नहीं है। जैसे शेर की गुफा के अंदर पैर जाते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते, एक बार उसमें घुस गए, जिसको एक बार आनंद आ गया वो वापस नहीं आया, वापस आएगा भी नहीं। इसको देख सकते हो आप, रट्टपाल को आप देख सकते हो, ऐतिहासिक तौर पर बुद्ध धम्म बुद्धि के स्तर पर जाना जाता है, स्पष्टता ईमानदारी और विचारों के कड़े परीक्षणों से ये लेस है। हाँ, बड़ी अच्छी तरह से समझिए आप, स्पष्टता इसके अंदर बुद्ध धर्म के अंदर और किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगी, जो भगवान बुद्ध के वचनों में स्पष्टता है ऐसी स्पष्टता किसी के में नहीं मिलेगी आप, ना ऐसी ईमानदारी मिलेगी और ना ही इतने शुद्ध परिशुद्ध विचार मिलेंगे आपको। और क्यों नहीं मिलेंगे, कि ये हर समय परीक्षण से गुजरता है, हर समय चैलेंज से गुजरता है, चुनौतियों से गुजरता है, ऐसे लक्षण है ये। लेकिन हमारी कुछ समस्या है, हमारी समस्या क्या है कि हम यह अभ्यास नहीं कर पा रहे, हमारी आदत में ही नहीं है, हमारी आदत में है ही नहीं। हम एक एहसान करके बैठते ध्यान करने के लिए और फिर घड़ी देखते हैं कि आधा घंटा मैंने ध्यान कर लिया, और उसका हम फिर जो है चैप्टर में अपनी जाके बात करते हैं, हम रोजाना आधा घंटा ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान का कोई समय नहीं हुआ कर। अगर हम देख रहे हैं कि हम आधा घंटा ध्यान कर रहे हैं तो हम ध्यान नहीं कर रहे, हम सिर्फ समय गिन रहे, किल कर रहे, क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि हम कड़ा परीक्षण और विश्लेषण के बाद किसी निर्णय पर पहुंचे, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, छुटपुट सूचनाएं, छोटी छोटी सूचनाएं, या कहीं हमने सामग्री पढ़ ली, उस आधार पर उसको आधार मानते हैं और विचित्र तरह के निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं, तरह तरह के हम निष्कर्ष निकालते रहते हैं बैठे बैठे। अतः एक बौद्ध होने के नाते हमें चाहिए हम स्पष्ट सोच पैदा करने के लिए एक दूसरे को चुनौती दें, एक दूसरे को चुनौती दें। अर्थात क्या कहते हैं बंते जी, यहां पर हमको जो बहस करनी चाहिए,
एक दूसरे से बहस करनी चाहिए, और किसके ऊपर बहस करनी चाहिए? दर्शन के ऊपर, भगवान बुद्ध के प्रवचनों के ऊपर, भगवान बुद्ध की देशनाओं के ऊपर, उन पे हमें बहस करनी चाहिए। लेकिन बहस में हमें बाल की खाल नहीं उधेड़नी है, हमें बाल की खाल नहीं उधेड़नी है, उससे हमारा क्या हित नहीं होगा, अहित होगा, ये जरूरी नहीं है। हमें आश्वस्त होना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं, वो हम अच्छी तरह से समझते हैं, हम जानते हैं, हमने उसका अनुभव लिया है, और ये बात जो है संशय रहित। अगर हम ध्यान की दृष्टि से देखें तो प्रथमतः बौद्धिक स्तर पर एक सैद्धांतिक कथन को अच्छी तरह समझ लिया जाए, जिसमें निहित उच्चतर के अनुभव को कैसे महसूस किया जा सकता है, जिसका अनुभव सर्वप्रथम भगवान तथागत ने स्वयं किया था, उस स्तर को हम कैसे अनुभव ले सकते हैं, किस तरह से महसूस कर सकते हैं, जिस स्तर को भगवान बुद्ध ने स्वयं जो है उसका अनुभव किया था, जिस भगवान बुद्ध ने खुद उसके लिए सबसे पहले जो है उसका अनुभव किया था, और वो शून्यता के संपर्क में आए थे, और गहन अंतर्दृष्टि का तरीका यही है कि हमें जो है शून्यता की तरफ जाना होगा। भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए या उनके शिष्यों के अनुभव से कहे गए कथनों पर पहले चिंतन किया जाए, ताकि अंतर्दृष्टि हमारे अंदर विकसित हो सके, हमारे ब्रह्मचारी नागरतन जी बड़ी अच्छी तरह से चिंतन कराते हैं, लेकिन कितना चिंतन करते हैं, किसी भी स्तर पर हम चिंतन नहीं करते, गंभीर चिंतन नहीं कर, चिंता तो कर सकते, हम अनित्यता के सत्य की अंतर्दृष्टि का अनुभव कर सकते हैं, कहते हैं हम जानते हैं कि हमारा शरीर विघटित हो रहा है, ये स्थिर रहने वाला नहीं है, अनित्य है, लेकिन फिर भी हम चिपके ही रहते हैं, उसका अनुभव नहीं लेते, और अनुभव नहीं लेते इसलिए हम जो है हमारे अंदर अंतर्दृष्टि पैदा नहीं होती। एक पेड़ की शाखा बहुत जगह जगह पर हमें ये चीजें मिलती देखने के लिए, लेकिन फिर भी हम उससे कोई शिक्षा लेने को तैयार नहीं हैं। हमारे सामने देख सकते हैं, हमारे जीवन में आते ही एक पेड़ की शाखा से अलग होकर गिरते हुए पत्ते को देखकर हमें अंतर्दृष्टि पैदा हो सकती है, लेकिन ये हमारे जीवन में कितने बार घटना हुई होगी, लेकिन कभी हमारे मन में आया ऐसा नहीं आया, ऐसा अतीत में हुआ भी है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ये अतीत में हुआ है ऐसा कि इतने मात्र से ही अंतर्दृष्टि पैदा हो गई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़ेंगे। यहां हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, कुछ निर्णय लेने की हमारी अवस्था बनती है, हम वापस नहीं आते, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। जो स्वयं के निवास में अंदर गया और अंदर जाके जो दृश्य उसने देखा, उसकी अंतर्दृष्टि जो है जाग गई, अंतर्दृष्टि पैदा हो गई उसके अंदर, उसे प्राप्त हो गई, और उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया, और जीवन का उद्देश्य ऐसा बदला कि वो घर में नहीं रुका, निकल दिया बाहर, रात में ही निकल दिया, उसे ये चिंता नहीं है कहां जाऊंगा कहां नहीं जाऊंगा, चला गया। रक्तपाल का आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे बौद्ध साहित्य के अंदर, जिन्होंने ऐसे सार्वभौमिक सत्यों का साक्षात्कार किया और स्वयं के जीवन की पूरी दिशा और दशा पूरी तरह से बदल दी, उनकी बदल गई, क्या थे और क्या हो गए। रेवत को आप देख लीजिए, किसान गौतमी को देख लीजिए, क्या से क्या हो गए। हम भगवान बुद्ध या बोधिसत्व के कल्पित चित्रण के अभ्यास द्वारा भी अंतर्दृष्टि को का विकास कर सकते हैं, ध्यान सती करते हैं हम, साक्य मुनि साधना कर सकते हैं,
उनका चित्रण कर सकते हैं, किसी बोधिसत्व को हम चित्रण कर सकते हैं काल्पनिक तौर पर, और उसमें हम लीन होकर के अपने अंदर अंतर्दृष्टि पैदा कर सकते हैं। हम चित्र को जीवंत मान लें, कल्पना करते हैं, हम बुद्धानु सतिम बोलते हैं कल्पना करिए बुद्ध हमारे सामने बैठे हुए, और जब कल्पना में हमारे बुद्ध आएंगे तभी हम उनका गुणगान कर सकते हैं, उनके गुणों को देख सकते हैं। अगर हमारे दृष्टि पटल के सामने नहीं आए तो हम उनके गुणों को नहीं देख पाए। इसलिए पहले हम जो है अपनी कल्पनाओं में उनको चित्रित करते हैं, उनको जो है उतारते हैं, जीवंत मानते हैं उनको, हमारे सामने साक्षात बैठे हुए सोचते हैं। और इसलिए सोचते हैं कि ये कारणों और संस्कारों से बना हुआ है। बुद्ध की धम्म काया को हम जो है अपनी मानसिक पटल के सामने लाते हैं। निर्वाण काया तो है नहीं, धम्म काया हमारे सामने, धम्म काया को हम जो है सामने लाते हैं और उसमें हम देखते हैं। इस चिंतन से यह न वास्तविक और न ही अवास्तविक के सिद्धांत का सत्य पूरी तरह से उजागर होता है। ना तो यह वास्तविक है और ना ही अवास्तविक है। देखिए क्या कितने महत्वपूर्ण बात कही है कि ना तो यह वास्तविक है, सिर्फ एक कल्पना है, और हम उसको अवास्तविक भी नहीं कह सकते क्योंकि यह जो घटना घट चुकी है। हम जा रहे हैं धम्मकाया में जा रहे हैं, और धम्म क्या है? जीवन जीने का रास्ता है। तो इस तरह से हम जो है पूरी तरह से सत्य को उजागर कर लेते हैं। ये जो है सत्य हमारे लिए पूरी तरह से उजागर हो जाता है। किसी भी तरह ध्यान ही, ध्यान स्वयं ही मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। हमारा मन जो है ध्यान से स्वतः ही शुद्ध होने लगता है, अपने आप शुद्ध होता है। वास्तविकता यह है कि हम ध्यान और स्पष्ट चिंतन को अलग नहीं कर सकते। बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं कि बहुत जन जो साधारण बुद्धि वाले थे, पटसेन किस्सा आपने सुना है और जानते होंगे, साधारण बुद्धि वाले थे और जिनके पास सांस्कृतिक संपदा भी नहीं थी, उन्होंने अंतर्दृष्टि प्राप्त की। अधिकांश वे ध्यान की गहन समाधि द्वारा ही ऐसा कर पाए, गहन समाधि द्वारा ही ऐसा कर पाए। अधिकांश वे ध्यान के द्वारा ही ऐसा कर पाए। वे स्वयं से सभी विकारों या पूर्व आग्रहों व सांस्कृतिक बंधनों से दूर होने में सफल हुए। हम जो है इन बंधनों में उलझे हुए, हम पूर्वाग्रहों में उलझे हुए में तो ऐसा ही, मेरी वंश परंपरा ऐसा है, मेरे घर से ऐसे ही मिला है, मुझे संस्कार ऐसे ही मिले। वे स्वयं के मन की स्वतंत्रता पाने में सफल हुए। आप देख सकते हो समाधि के लिए दो उदाहरण दिए बहुत अच्छे। एक भगवान बुद्ध का, जब वो कुछ नदी के तीर पर बैठे हुए थे, पानी मांगा था, और वहां से 500 गाड़ियों का रेवर के साथ जो है 500 गाड़ियां गुजरी थी, और भगवान बुद्ध वहां पर समाधि में लीन हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक उदाहरण बाबा साहब का है, जीवन का है, जब वो बुद्ध और धम्म उनका धम्म लिख रहे थे, रत्तू जी जो उनके सेक्रेटरी थे शाम को चले गए, सो के आ भी गए, बाबा साहब लिखते मिले उनको, इतने लीन थे वो अपने लक्ष्य के लिए कि उन्हें यही पता नहीं चला कि पूरी रात मुझे लिखते लिखते हो गए। वो कहते हैं कि रत्तू अभी तू गया नहीं यहां से, कि नहीं बाबा साहब मैं गया, सोया, नहाया, फिर नाश्ता किया, भैया आपको चाय बना के ला रहा हूं। अरे इतना समय हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी घड़ी देख के ध्यान करते हैं कि मुझे एक घंटे बैठना है, मुझे आधे घंटे बैठना है, मुझे 40 मिनट का करना है, मुझे 50 मिनट का करना है। कई बार हम घड़ी लगा के बैठ उस आनंद को नहीं लेना चाहते। जब आनंद आने लगता तभी हमारा टाइम पूरा हो जाता है, बैल बज जाती और हम जो है उकता करके उठ जा। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी कुछ बातें थी, हालांकि विषय तो बहुत लंबा है ये, अगर मैं चाहूं तो आपको 5-6 हफ्ते में ये पूरा हो पाएगा समाधि का, इतना लंबा सब्जेक्ट है बोध सप्तमी समाधि जो पारमिता है। लेकिन कुछ बातों मैंने आपको बताई है, हो सकता है कि आपको कुछ इसका फायदा मिले। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।
अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।